हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। और ये शॉर्ट ट्रिक शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस शॉर्ट ट्रिक को शुरू करते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का हो तो उसका मल्टीप्लाई हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर रहेगा और उसका अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम किस तरह से बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 3 एग्जांपल्स, इनको हम समझेंगे कि शॉर्ट ट्रिक किस तरह से काम करती है, देन इसके बाद हम करेंगे इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो चलिए सबसे पहले जो पहला एग्जांपल है इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आप कितने जल्दी इसको कर सकते हैं, ये जो शॉर्ट ट्रिक है जो आप सीखने वाले हैं उसकी हेल्प से। सबसे पहले मैं इसको आपको करके बताती हूँ, देन हम इनको समझेंगे। तो लीजिए, इतने जल्दी आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ आपको इसमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है जो कि हम इस शॉर्ट ट्रिक में सीखेंगे। तो अगर जनरली आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते, देन 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते, देन उसको आप ऐड करते, तब जाके आपका आंसर आता। लेकिन यहाँ पर ये जो शॉर्ट ट्रिक है इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, अब इसको हम समझ लेते हैं कि आप किस तरह से इसका आंसर इतने जल्दी फाइंड कर सकते हो। सबसे पहली स्टेप है, जो आपके टेंस प्लेस के नंबर है उनका मल्टीप्लाई आपको करना है, मीन्स 4 और 7 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई। देन आपको करना है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, और उनको करना है आपको ऐड। और हर नंबर आपको सिंगल डिजिट में ही लेना है, अगर डबल डिजिट आता है तो उसको आपको कर देना है कैरी ओवर फॉरवर्ड। सो यहाँ पर देखें, देन नेक्स्ट स्टेप है आपकी कि जो आखिरी के 2 नंबर है मीन्स 10th प्लेस पर, उन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। नाउ अब हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, 7 4s होता है 28, सो 8 मैंने यहाँ लिख दिया और 2 हो गया मेरा कैरी फॉरवर्ड यहाँ के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए। देन 7 3s 21, 4 2s 8, सो 21 और 8 हो जाता है हमारा 29। देन इसमें कैरी ओवर कितना है 2, सो 2 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31। सो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और 3 कैरी ओवर कर दिया लास्ट वाली जो आपकी स्टेप है उसमें। देन आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई 3 2s 6, 6 plus 3 9, सो 9 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये तो 3 स्टेप है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, इतने जल्दी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इस मेथड से कुछ 4-5 एग्जांपल्स भी कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी और आप इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इसके लिए करें थोड़ी सी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली बन जाएगा। नाउ एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे 1s प्लेस के नंबर का मल्टीप्लाई, 6 1s 6, सो यहाँ कैरी ओवर तो है ही नहीं। नाउ इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इससे, इसका इससे, 5 1s 5, 6 2s 12, तो ये हो गया आपका 17। सो 7 कैरी ओवर यहाँ आ गया आपका 1, 5 2s 10 प्लस 1 11 आ गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 8 8s 64, सो यहाँ आ जाएगा 4, 6 कैरी ओवर, देन 8 4s 32, 8 3s 24। नाउ इसको ऐड करेंगे तो इसको आप देखें, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 56 आ गया आपका। नाउ अब कैरी ओवर कितना है आपका 6, सो 56 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 62, सो यहाँ आ जाएगा 2, कैरी ओवर फिर से बचा 6, 4 3s 12, देन 12 में आप 6 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18, सो ये हो गया आपका आंसर। सो स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 8s 64, 4 तो लिख दिया, 6 हो गया कैरी ओवर, देन 8 4s 32, देन 8 3s 24, मीन्स इस तरह से किया सो हमको ये मिला। लेकिन इसमें कैरी ओवर भी कितना है 6, तो इसको भी ऐड करना है, इनको ऐड किया हमको मिला 62, सो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ फिर से कैरी ओवर बचा 6, सो थर्ड स्टेप के लिए बचा 6। नाउ 4 3s 12, 12 plus 6 18, सो यहाँ लिख दिया हमारा 18। इस तरह से ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये काम करती है, आप भी बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस जो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है इससे कुछ एग्जांपल्स लें और उस पर प्रैक्टिस करें।
तो यहाँ पर आई होप आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये समझ में आ गई होगी। आप कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। सो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 एग्जाम्पल्स, अब हम करेंगे इन पर प्रैक्टिस लेकिन फटाफट। सो यहाँ पर आपने इस जो शॉर्ट ट्रिक है इसको सीख लिया है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, आप इस शॉर्ट ट्रिक को अच्छी तरीके से समझें, देन यहाँ पर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें हमारी फर्स्ट स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 2 8 सिंगल डिजिट है, इसको ऐसे लिख देंगे, कैरी ओवर नहीं है। देन 6 2 12 4 2 8 12 + 8 20 0 कैरी ओवर 2 6 2 12 12 + 2 14 आगे आपका आंसर। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इवन आपको स्टेप्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में करेंगे तब आप स्टेप्स को लिख कर करें और फटाफट करें, जिससे कि आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये आज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, वंस प्लेस पर जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई, 2 1 2 नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8 3 1 3 8 + 3 11 कैरी 1 4 3 12 + 1 13 आंसर। नाउ 4 4 16 कैरी 1 नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 4 3 12 16 + 12 हो जाएगा 28 देन 28 में आप कैरी ओवर ऐड करेंगे, कैरी ओवर कितना है 1 सो 28 + 1 हो जाएगा 29 कैरी ओवर हो जाएगा 2 4 3 12 12 + 2 कितना हो जाएगा 14 आंसर। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम 4 2 8 नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 2 2 4 तो 12 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 16 16 का 6 कैरी ओवर 1 3 2 6 + 1 7 7 68। तो इस तरह से ये जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी काम करती है। हमको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले वंस प्लेस का मल्टीप्लाई करना है, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, देन जो टेंस प्लेस है उनका मल्टीप्लाई करना है और सिंगल डिजिट लिखना है। अगर डबल डिजिट आता है तो जो नेक्स्ट नंबर उसको आपको कैरी ओवर कर देना है नेक्स्ट स्टेप पे। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और आप 2 डिजिट्स के नंबर जो रहेंगे उनका मल्टीप्लाई ईजिली कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इसी तरह के और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्किल आर्क को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।